हमारे साथ अभी मौजूद हैं भोजपुरी जगत के पितामह कहे जाने वाले कुणाल सिंह। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस जो भोजपुरी का जो उनका रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने हासिल किया और क्या कुछ उनकी राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 111 में। धन्यवाद सर। अभी हम आपके जो निजी जिंदगी है, किस तरीके से आप भोजपुरी जो जगत में आए और किस तरीके से कामयाबी को हासिल किया, वो थोड़ा हम अपने दर्शक को दिखाना चाहते हैं। देखिए, आज मैं इस कार्यक्रम में हूँ और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। मैं भी कभी इनकी तरह ही छोटा बच्चा था और कलाकार बनना चाहता था। एक बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वो काम करूं जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। पिताजी बिहार सरकार में मंत्री थे, वो राजनीति से जुड़े थे, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के लोग थे। इसलिए मैंने फिल्मों की तरफ चुना, झुकाव था मेरा बचपन से कला की तरफ, और मैंने फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहा। इसके लिए मुंबई गया, अनजान शहर, अनजान लोग, लोगों से मिलता रहा, संघर्ष करता रहा। एक बात कहूँ कि अगर आप संघर्ष करते हैं तो देर और सवेर आपको फल ज़रूर मिलता है, और उसी का नतीजा है कि मुझे भी मौका मिला। मेरी पहली फिल्म थी कल हमारा है, जो यहाँ पे 35 हफ्ते चली थी, और कुणाल को पहचान बनाने में इस शहर की, बिहार प्रदेश की माँ बहनें, घर के लोग, नौजवान बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया, तभी ये कुणाल की पहचान बनी और तभी आज देश विदेश में भोजपुरी सिनेमा को लेके कुणाल को जाना जाता है। सर, जैसा कहा जाता है कि मुंबई के शहर में बिहार के युवा जो कलाकार हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है मौका नहीं दिया जाता है, इस पर क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? नहीं, देखिए, ये एक बहाना है जब मंजिल नहीं मिलने वालों के लिए। आप पहले अपनी तैयारी करें, जब आप अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे तो वो तो जनता पसंद जिसको करती है उनका, उनको ही पर्दे पे, उनको ही स्टारडम मिलता है, उनकी ही ख्याति होती है। लेकिन बहुत लोग अपनी तैयारी बिना किए हुए ही उस मैदान में कूद जाते हैं और नतीजा है कि उनको हताश होना पड़ता है। तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें, तैयारी करके जाएं, मौका ज़रूर मिलेगा। सर, जैन जी का क्या रोल रहा है आपके भोजपुरी जगत में? मैं सच कहूं तो जैन साहब का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता, चूँकि जो हीरे की परख रखता है वही सबसे महान होता है, और जैन साहब ने ही मुझे, मेरी कला को, मेरी क्षमता को पहचाना। और उससे बड़ी बात है कि एक नए कलाकार को उन्होंने मौका दिया जो बहुत कम होता है। तो मैं जीवन भर, मेरी जो कुछ भी पहचान है ये उनके बदौलत है, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पल नहीं होता है जब हम उनको याद नहीं करते। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको ऑफ़र दिया गया था, क्या इस पे लगता है कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या फिर से अगर ऑफ़र दिया जाए तो? जी देखिए, मैं 2014 में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था पटना साहिब से, और मैं अपने ही बड़े भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी के ख़िलाफ़, जो उस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ा था। और उस वक्त 2014 में पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर और बीजेपी की एक अजीब सी लहर थी, लेकिन उसमें भी, उस लड़ाई में भी पटना साहिब की जनता ने बहुत स्नेह प्यार और आशीर्वाद दिया और मुझे काफ़ी अच्छा वोट मिला था। लेकिन अब उस सरकार को हटाने के लिए जो राजनीतिक गठबंधन हुआ है उसमें कई बार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और पार्टी ने उपयुक्त समझा कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी को पार्टी ज्वाइन करवा के उम्मीदवार बनाया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, और पार्टी के लिए जो करना होगा मैं करूँगा। सर, एक सवाल है कि अक्सर आप बिहार में आते रहते हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने शराबबंदी को लागू किया था यहाँ पे, उसके बावजूद भी, शराबबंदी होने के बावजूद भी आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उनका सही नतीजा था ये? देखिए, नीयत उनकी अच्छी थी लेकिन शायद इम्प्लीमेंशन में कुछ कमियां रह गई हैं,
और मुझे लगता है कि जब हम 21वीं शताब्दी में हैं तो ऐसे कदम उठाने से बहुत लाभ नहीं होने जा रहा है। बदौलत उसके बदौलत और जो चोरी चुपके और नौजवान जो हमारे इस प्रोफेशन में आगे भटक रहे हैं, अब क्षति ही हो रही है। तो हाँ, उसमें एक सीमा कर दें कि आप रेस्टोरेंट में ही पी सकते हैं, आप होटल में ही पी सकते हैं, वाइन शॉप नहीं हो यहाँ, बाज़ार में खुलेआम नहीं मिले, तो वैसी पाबंदी भी बहुत कारगर होती और मुझे लगता है कि तब क्राइम इतना शायद नहीं बड़ा होता। सर, क्या आपको आप ये मानते हैं कि शराबबंदी के वजह से बिहार सरकार को काफ़ी कुछ नुकसान सहना पड़ा है? जी हाँ, आर्थिक रूप से जो रेवेन्यू है उसमें तो कमी आई है, लेकिन ठीक है, ये सरकार है और नीतीश जी एक सुलझे हुए इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो प्रदेश को कैसे चलाना है, उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है, निश्चित रूप से उन्होंने कहीं और से इसका इंतज़ाम किया होगा। लेकिन रेवेन्यू के साथ साथ जो युवा पीढ़ी पे इसका असर हो रहा है, मुझे लगता है कि उस पर एक बार उनको विचार करना चाहिए। एक सवाल और है कि आरजेडी में जहां दो भाई हैं, एक तेजस्वी और एक तेज प्रताप यादव, ठीक है, एक समय में तेज प्रताप जी तेजस्वी को लेकर के अर्जुन का नाम दिया करते थे, वहीं कल ट्विटर पे उन्होंने कहा है कि अभी वो दुर्योधन का नाम देकर संबोधन किया है, इस पे आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, ये एक परिवार की बात है और दो भाइयों के, मुझे नहीं लगता कि कोई मनमुटाव की बात हो, लेकिन कुछ दो भाइयों में भी शिकवे शिकायत होते हैं, बाप बेटे में होता है, पति पत्नी में होता है, भाई भाई में भी होना स्वाभाविक है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। परिवार की बातें हैं, परिवार में सुलझ जाएंगी, और सब लोग तो एक चाहते हैं कि प्रदेश खुशहाल हो, उस पर कदम बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी सब एक हो जाएंगे। आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से आरजेडी में ये घमासान मचा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए बिल्कुल मजबूत नज़र आ रही है, वहीं महागठबंधन दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, इस ऐसे में क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, बिहार में तो सरकार नहीं, देश की सरकार बनाने का चुनाव है। आप ये जो राजनीतिक पार्टियों में जो उठा पटक या छीन झपट्टा हो रहा है, इस पर मत जाइए, क्योंकि हमारे देश का जो वोटर है और विशेषकर युवा वोटर, उसकी आकांक्षाएँ हैं, उसको मालूम है कि मेरे वोट का क्या महत्व है, चूँकि उसके एक वोट से उसी के आने वाले 5 वर्षों का भविष्य तय होगा। तो वो समझदारी से, हम पार्टियों में आपस में लोभी लड़ते रहें, झगड़ते रहें, अखबारों में मीडिया के लिए एक सुर्खियाँ बनी रहें, लेकिन बहुत शांत भाव से गंगा की तरह शांत होकर जनता वोट देगी, उसको अपना भविष्य सुधारना है। सर, आने वाले समय में क्या आप फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाएगी, राजनीति में हूँ, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो इन लोगों के प्यार की बदौलत ही जाना जाता हूँ, तो ये मेरा भी धर्म और फर्ज है कि मैं अपने घर के लोगों के लिए कुछ करूँ, और जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मिलता है, मैं कुछ न कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़कर अपने लोगों के लिए काम करता हूँ। बिहार के युवा के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, बिहारी होने पर गर्व कीजिए, और जीवन में जिस काम का लक्ष्य पाना चाहते हैं आप, उसकी पूरी तरह तैयारी कीजिए, सफलता आपके हाथ लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी जगत के पितामह कहे जाने वाले कुणाल सिंह। उन्होंने बताया कि तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत की, और उन्होंने बताया कि जो बिहार के युवा हैं उनको संदेश दिए हैं कि जो भी लक्ष्य अपना रखे हैं उसको प्राप्त करने का हौसला बुलंद रखें। वैसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं सुनील कुमार शर्मा, News 1 11 पटना। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।